कॉलोनियों पर चला पीला पंजा। कोसीगला के बठेन स्थित वसुंधरा सोसाइटी पर विकास प्राधिकरण का चला पीला पंजा, जिसमें शिकायतकर्ता द्वारका प्रसाद ने कहा कि हिमांशु एवं नीरज आदि लोगों ने वसुंधरा सोसाइटी के नाम से अवैध कॉलोनी का दीक्षित निर्माण करने की शिकायत एमबीडीए की थी। कॉलोनी का नक्शा विकास प्राधिकरण से स्वीकृत नहीं कराया गया है, जिस पर संज्ञान लेते हुए विकास प्राधिकरण की जैन एवं जांच की तो वहां अवैध निर्माण होता मिला। इसको लेकर एमबीडीए सचिव राजेश कुमार ने कॉलोनी संचालकों को नोटिस देकर 15 दिन में निर्माण हटाने के निर्देश देते हुए कहा कि अन्यथा प्राधिकरण द्वारा कॉलोनी के निर्माण को ध्वस्त कराकर भूरा सब की तरह वसूल करने की चेतावनी दी थी, लेकिन अधिकारियों के निर्धारित समय को पूरा करने के बाद भी इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, जिसमें सहायक अभियंता एमबीडीए एनएस चौहान के नेतृत्व में नायब तहसीलदार राकेश शर्मा और पुलिस फोर्स कॉलोनी में पहुंच गए, जहां जेसीबी की मदद से कॉलोनी की बाउंड्री बाल को जगह जगह से तोड़कर चलते बने, जिसमें विकास प्राधिकरण के अधिकारी खाना पूर्ति करते हुए नक्शा स्वीकृत होने की बात कहकर चले गए। अब देखना होगा कि इस अवैध कॉलोनी पर कोई कार्रवाई होती है या लोग ऐसे ही गरीबों के पैसे को डकारते रहेंगे। लोकेश गर्ग, कोसीकला समाचार 24। मथुरा में श्री महाराजा